हेलो डियर स्टूडेंट्स इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लेवल वन क्वेश्चन इलेवन टू ट्वेंटी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन इलेवन क्वेश्चन इलेवन हमारे पास क्या बोल रहा है इन द पीरियोडिक टेबल मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स शोज वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स तो पीरियोडिक टेबल में यदि अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे पास एलिमेंट्स की जो रेडियस होगी वो डिक्रीज होती है रेडियस डिक्रीज होने की वजह से उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी यदि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी डिक्रीज होगी तो हमारे पास मेटेलिक करेक्टर भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाता है सिंपल इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी है वो भी डिक्रीज हो जाएगा अलोंग द पीरियड इसी तरह से यदि आप टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से रेडियस इंक्रीज होगी रेडियस इंक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है दैट मींस इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी क्या होगी इंक्रीज होगी यानी मेटेलिक करेक्टर हमारे पास इंक्रीज होगा मेटेलिक करेक्टर यहां पर इंक्रीज हो जाएगा तो अपन यहां पर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि हमारे पास मेटेलिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीज कर रहा है अक्रॉस द पीरियड तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है ट्वेल्थ क्वेश्चन इसे बोला गया न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स नाइन प्रोटोन्स इट्स वेलेंसी वुड बी तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट है उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटोन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं तो प्रोटोन से अपने को सिंपली क्या पता लग रहा है वहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटोन के बराबर होगा नाइन तो हमारे पास नाइन एटॉमिक नंबर का एलिमेंट होता है फ्लोरीन फ्लोरीन का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वन एस टू टू एस टू टू पी फाइव तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट शेल में आप यदि देखें आउटर मोस्ट शेल में वैलेंसी चेक करनी है तो वैलेंसी के लिए आपको देखना है कि ये कितने बॉन्ड बना सकता है तो फ्लोरीन जो है वो केवल एक बॉन्ड बना सकता है क्योंकि यहाँ पर केवल एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो कि पेयर्ड अप होना चाहता है एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या कर लेगा ये नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अटेंड कर लेगा तो इसकी वैलेंसी क्या है इसकी वैलेंसी है वन ये मैक्सिमम वन बॉन्ड बना सकता है नेक्स्ट है थर्टीन इसके बाद बोला गया ट्रांजिशन मेटल्स आर नॉट करेक्टराइज बाई ट्रांजिशन मेटल्स कौन से मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास वेकेंट डी और बैटल्स अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से वो कलर शो करते हैं और कॉम्प्लेक्सेस का भी फॉर्मेशन करते हैं इसके अलावा इनका ओवरऑल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है बट यहाँ पर वैकेंट डी और बाइटल्स होने की वजह से जो वैलेंसीज होती हैं वो फिक्स्ड नहीं होती वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स ना कि फिक्स्ड वैलेंसी तो फिक्स्ड वैलेंसी यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल की एक करेक्ट्रिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है फोर्टीन बोला गया सोडियम जनरली डज नॉट शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस टू बिकॉज ऑफ इट्स तो हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर अपन लिखते हैं इलेवन तो ये लिखा जाता है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन या आप इसको लिख सकते हैं नियोन थ्री एस वन तो जब यदि आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगा सोडियम प्लस सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगा नियोन के बराबर नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन तो इससे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यदि आपको रिमूव करना है तो आपको काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन से निकलेगा तो सेकंड आई ई या सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो मच मच ग्रेटर देन होगी किससे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से इसलिए अपन सेकेंड इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव नहीं कर सकते तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो काफी ज्यादा है इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन अपने पास रिमूव नहीं होगा फ्रॉम सोडियम ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है फिफ्टींथ इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोलिक्यूल्स हैव द ऑलमोस्ट इक्वल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अभी बात करनी है तो देखिए अपन थोड़े लॉजिकल बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करेंगे मोर ऑफ लेस ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन में आप देखिए कि यहां पे फ्लोरीन यहां पर भी फ्लोरीन है और सिंपल एच टू एच टू मोलिक्यूल है अब फ्लोरीन के पास में हमारे पास पेयर है और इसकी बोन्ड भी कम होती है तो इनके बीच में क्या होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा इनके बीच में रिपल्शन होगा तो बॉन्ड ब्रेक या बॉन्ड लेंथ इसकी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो यानी बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो कि बॉन्ड एनर्जी भी होती है वो क्या होगी डिक्रीज होगी बट एच टू के, के केस में ऐसा नहीं है तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है किससे एफ टू से सिमिलरली बी ऑप्शन में देखें बी ऑप्शन में हमारे पास एन टू और कार्बन में मोनोक्साइड है तो यहाँ पर N2 में भी ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी ट्रिपल बॉन्ड है बट यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें पोलरिटी है माइनस वन और प्लस वन चार्जेज आते हैं बट N2 हमारे पास न्यूट्रल है तो पोलर बॉन्ड हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं तो यहाँ पर इसकी बॉन्ड डिसोशन एनर्जी ज़्यादा होगी सिमिलरली अपन सी ऑप्शन को देखते हैं अब यहाँ पर आप देखिए फ्लोरिन और आयोडीन का केस यदि अपन देखें तो ये सम सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है जैसे कि फ्लोरीन के केस में यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इसकी ओवरऑल बोन लेंथ बढ़ रही है जो कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अपने को दिया हुआ है सिमिलरली यहां पर आयोडीन जो है वो साइज में बढ़ा है बिग साइज एटम से बिग साइज एटम तो बिग साइज एटम्स की जैसे कि आपके पास कंप्लीटली बिग साइज एटम्स हो तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी इंक्रीज होगी बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस सो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी डिक्रीज करती जाएगी तो यहाँ पर फ्लोरीन और आयोडीन दोनों में ही फेवरेबल कंडीशंस है तो यदि आप हेलोजन्स का भी चेक करते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो ऑर्डर होता है हेलोजन्स में दैट इज़ सबसे ज़्यादा होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी क्लोरीन की देन ब्रोमीन की देन फ्लोरीन की देन आयोडीन की तो फ्लोरीन और आयोडीन जो है वो समवाट सिमिलर वाले केसेज ही होते हैं तो यहाँ पर अपने पास इक्वलेंट जो बॉन्ड डिस्टोशन एनर्जी होगी वो ऑप्शन सी की होगी अपन डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं डी ऑप्शन में देखिए डी ऑप्शन में वही चीज़ होगा कि एच एफ बोंड है और एक ओ ओ है ठीक है यहाँ पर हमारे पास डेल प्लस और डेल माइनस परसेंटेज आयनिक करैक्टर इस बॉन्ड में ज्यादा है इसलिए एच एफ की बॉन्ड डिस्टोशन एनर्जी किसे ओ टू से, से ज़्यादा है और मोर और लेस अपन इन सब बॉन्ड्स की डेटाज को भी चेक कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर मैं मॉलिक्यूल लिख लेता हूँ और इसके बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी यहाँ पे होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल जिससे आप मोर ऑफ लेस इसको कोरिलेट कर सकते हैं तो एच एफ की जो बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी होती है वो थर्टी सेवन किलो कैलोरी होती है सिमिलरली एच टू की यदि बात करें तो ये होती है वन ज़ीरो फोर फिर एन टू की यदि अपन बात करें तो ये होती है टू टू सिक्स कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये टू फिफ्टी सेवन F2 की यदि बात करते हैं तो 37 और I2 की बात करते हैं तो 36 तो लगभग बराबर है तो यहाँ पर HF की बात करें तो ये 136 थर्टी सिक्स किलो कैलोरी और O2 की बात करें तो ये 119 वन नाइन किलो कैलोरी पर मोल है तो इस डेटा के बेसिस पे भी आप ऑर्डर को डिसाइड कर सकते हैं और अबउ एक्सप्लेन लॉजिक से भी अपन देखेंगे कि फ्लोरिन और आयोडीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो मे बी समवट बराबर है ठीक है ऑप्शन तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है सिक्सटींथ इसमें बोला गया है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लो जो कि मोजले ने दिया था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट एट रेगुलर इंटरवल्स वेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर तो मॉडर्न पीरियोडिक लो या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बेसिस यूज किया गया था दैट इज एटॉमिक नंबर तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के पैटर्न में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिफाइंड हुई थी तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है है इसमें बोला गया गिव द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ लोएस्ट एटॉमिक नंबर दैट हैज एटोमिक्री टू पी अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं टू एस टू सबसे पहले जो टू पी थ्री आएगा वो ये सबसे पहला एलिमेंट होगा तो यहां पर अपन देखें जो जेड की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी सेवन तो एटॉमिक नंबर सेवन किस एलिमेंट के लिए यहां पे नाइट्रोजन के लिए फोर

इसके बाद में हमारे पास एन माइनस वन डी एन माइनस वन एफ़ इस सॉरी एन माइनस टू एफ़ इस तरह से आप रिवर्स ऑर्डर में चलते चलेंगे इसमें कंडीशन बस एक ही रखनी है कि एन मस्ट बी ग्रेटर देन एल ऑलवेज कि एल की वैल्यू जीरो होती है फॉर एस वन होती है फॉर पी टू होती है फॉर डी थ्री होती है फॉर एफ सब सेल सिमिलरली फोर्थ पीरियड की अपन बात करें तो फोर एस से स्टार्ट होगा और फोर पी पे ख़त्म हो जाएगा ठीक है इसके बाद हमारे पास एन माइनस वन डी यानी थ्री डी पर आ जाएगा फिर आप यदि एन माइनस टू करेंगे यानी फोर माइनस टू तो टू एफ़ टू एफ़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि एल की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर थ्री और एन की वैल्यू टू तो पॉसिबल ये नहीं होगा तो हमारे पास जो फोर्थ पीरियड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस किस में भरे जाएंगे फोर एस में और थ्री डी में और फोर पी में यहाँ पर फोर डी इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भरे नहीं जाएंगे तो यहां पर फोर्टी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जीरो। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है इसे बोला गया व्हाट वुड बी द एटॉमिक नंबर ऑफ द एल्लाइन अर्थ मेटल जो कि सेकेंड ग्रुप है सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ द एर्थ पीरियड एर्थ पीरियड की बात हो रही है तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि जो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन होते हैं हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जीनोन रेडोन और ये लास्ट में अनन ऑक्टियम तो यहाँ पर हीलियम टू यहाँ पर यह टेन हो जाएगा यानी प्लस एट आपने किया फिर आप प्लस एट करेंगे तो ये एटीन हो जाएगा फिर आप प्लस यहाँ पर एटीन करेंगे थर्टी सिक्स फिर प्लस एटीन करेंगे ये हो जाएगा फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर के बाद में प्लस थर्टी टू करेंगे आप तो हमारे पास ये हो जाएगा एट्टी सिक्स फिर आप प्लस थर्टी टू करेंगे तो ये हो जाएगा वन वन एट अब आप देखिए पीरियड ये फर्स्ट पीरियड है ये सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ये हमारे पास सेवन्थ पीरियड है तो इसके बाद में जो पीरियड स्टार्ट होगा दैट इज एथ्थ पीरियड तो एट्थ पीरियड में अपन को एल्कलाइन अर्थ मेटल का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखना है तो वो क्या होगा इसके बाद वाले जो ग्रुप होगा नेक्स्ट एट्थ पीरियड होगा उसमें दो एडिशनल होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जो होगा पहले तो यू आएगा और इसके बाद एट एस टू ये हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगा तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा वन वन एट प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स तो जेड हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर वन ट्वेंटी तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है ट्वेंटी इसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोविंग रिप्रेजेंट एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम सबसे पहले तो हमारे पास देखो फर्स्ट फर्स्ट में हमारे पास दिया हुआ न्यूम थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी एट फोर एस टू इसको मोर और लेस इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे थ्री एस टू थ्री पी सिक्स इसके बाद आपने फोर एस टू भरा फिर थ्री डी एट भरा तो ये बिल्कुल करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है इसका ट्वेंटी एट एटोमिक नंबर है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन है सिमिलरली यहाँ पर अपन देखें ये दिया हुआ है नियोन फिर हमारे पास थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस वन थ्री डी फाइव तो थ्री डी फाइव यहाँ पे हाफ फेल स्ट्रक्चर होने की वजह से हमारे पास जो एस का एक इलेक्ट्रॉन है वो डी सबसेल में चला जाता है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन किसका है क्रोमियम का जो कि एक्सेप्शन है आउभाव रूल का तो ये भी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है सी अपने पास देख लेते हैं कि नियोन थ्री एस टू थ्री पी सिक्स इसके बाद फोर एस टू फोर एस टू के बाद थ्री डी में वन भरा गया तो ये किसके लिए ये हमारे पास है स्कैंडियम के लिए ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन फिर हमारे पास है डी D में अपने पास देखें तो 1s2, 2s2, 2p5 और 3s1। एस यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें वन यहाँ पे ये कितना हो गया नाइन और एक टेन टेन यानी नियोन का होना चाहिए बट ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन दिया गया है ये एक्साइटेड स्टेट में नियोन का ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है दैट इज़ वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स क्योंकि नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन का कंप्लीट ओक्टेट होता है तो इसमें क्या किया इसने इसने सिंपली ऐसा किया है कि 2p6 पी सिक्स यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इसके बाद 3S0 आता था ठीक है तो ये 3s में क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जा रहा है और हमारे पास क्या बन जा रहा है यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट कॉन्फिग्रेशन है नियोन का और ये एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिग्रेशन है तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा